दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का हुआ सिलेक्शन, एक तरफ चौंकाने वाली कई बड़ी खबरें आई तो दूसरी तरफ हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने कर दी कई खिलाड़ियों की विदाई। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड तैयार कर लिया गया है, जिसमें कई खिलाड़ियों की तो विदाई हो गई है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों ने जिन 15 खिलाड़ियों का चयन किया है वो इस प्रकार किया गया है कि वह कम से कम 5 से 10 टेस्ट मैच पर जीत दर्ज कर लें, क्योंकि इंडिया WTC के लिए क्वालिफाई कर जाए और WTC पक्का हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्टर्स हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने जिस सूझबूझ के साथ अपनी टीम को चुना है वो कुछ इस प्रकार से है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ओपनिंग। जी हाँ, यह तय हो गया है कि रोहित और यशस्वी ही ओपनिंग करेंगे, क्योंकि यशस्वी ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी भी लगाई थी। वहीं मिडिल ऑर्डर की बात करें तो स्टार और अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली, केएल राहुल और सुमन गिल के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत को चुना गया है। ऋषभ पंत की बात करें तो उन्हें इसलिए चुना गया है, इसलिए वापस लिया गया है क्योंकि उनका फेवरेट फॉर्मेट है टेस्ट मैच। वहीं स्पिनर में आर अश्विन और कुलदीप हैं, जबकि फास्ट बॉलरों की बात करें तो अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को चुना गया है। जबकि बेंच खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें सरफराज खान और ध्रुव जुरेल भी शामिल हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को तो शामिल ही नहीं किया गया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि उन्होंने अभी अपनी टीम से रेस्ट मांगा है। जी हाँ दोस्तों, शायद उन्हें रेस्ट की आवश्यकता भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों में उनका मौजूद रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं इस टेस्ट सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर कर दिया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर बात हो रही थी, लेकिन अभी इन्हें चयन नहीं किया गया है, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों का बीते कुछ टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, और ऐसे तमाम और खिलाड़ी हैं जो टेस्ट मैच के लिए कंसीडर भी करते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से बांग्लादेश के खिलाफ या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों का जो चयन किया गया है, जो टीम ने सिलेक्शन किया है, जो टीम सिलेक्शन हुआ है, वो सेटिस्फाइंग है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।